वर्तमान समय है। अब आप ये एक बात आप देखिए, वो राजेश जोशी की कविता है, कभी कभी कविताएं इतनी प्रोफेटिक होती हैं जी। वो एक लाइन बीच में से ऐसी कभी कभी कोई कवि लिख देता है कि वो फिर वो एक लाइन चमकती रहती है पूरे पर। जैसे मुक्तिबोध ने लिखा, लेकिन मुक्तिबोध की एक लाइन बड़ी है कि विचार आते हैं बोझा उठाते समय। तो राजेश जोशी की लाइन है ना कि वे सब मारे जाएंगे जो अपराधी नहीं हैं। अब आप ये देखिए, आप छोड़ दीजिए नीट हुआ है, इन नीट में कितनी विद्या, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, हाथरस कांड हुआ। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन मैं ज्योतिष बता सकता हूँ, कोई नहीं पकड़ा जाएगा, किसी कोई सजा नहीं होगी। सबसे बड़ा ये हो गया है कि हमारे यहाँ निरपराधी पकड़े जाते हैं। कितने लोग हैं जो सालों से बंद है जेल में, कोई उनके लिए न बेल है, न अदालत है, न जमानत है, कुछ नहीं है। और नवलखा पत्र पकड़ा हुआ है, वो बरमर राव पकड़ा हुआ है, वो बेसा पाटेकर पत्र बाहर है, कोई एक वो भारद्वाज है पत्र, उसको बेल हुई कि नहीं बेल हुई। ऐसे पता नहीं कितने लोग पकड़े हुए जेल में, सालों से पड़े हैं। ये अरे भाई, सत्येंद्र जैन ने अपराध किया है तो उसको मुकदमा न चला करके उसको तुम दो साल से पकड़े रखे हो, केजरीवाल को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। और इन सबको जैसे हाथरस के बाबा है, इतने भ्रष्टाचारी हैं, और अब कोई रिजाइन नहीं करता। रिजाइन करने की बात ही नहीं करता कोई। अब आप कल्पना कीजिए कि 116 लोग मर गए, ना तो यूपी गृह मंत्री का कोई बयान है, आदित्य योगीनाथ कहाँ है, कोई समझे नहीं, कोई परवाह नहीं है।